नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। खबर आ रही है विदिशा जिले के गंज बसोदा से। प्रस्तुत है इंडिया खबर लाइव संवाददाता एलन चौबे की एक रिपोर्ट। नाबालिग किशोरी के अपहरण के बाद नगर में तनाव की स्थिति। बजरंग दल सहित कई संगठनों ने किए कार्रवाई के लिए ज्ञापन। गंज बसोदा विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच सहित भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया है कि एक समुदाय विशेष के कुछ लोग लव जिहाद फैला रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद नेता नीलेश अग्रवाल ने बताया कि गत रात्रि वार्ड क्रमांक 8 वेदनखेड़ी निवासी एक नाबालिग किशोरी को कुछ विशेष समुदाय के लोगों द्वारा अपहरण कर लिया गया था, जिसे खोजने जब परिजन के साथ नागरिकों ने प्रयास किया तो इन विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा पथराव किया गया। द्वारा अनुविभाग अधिकारी महोदय बासोदा विषय शहर संपूर्ण जिले में हो रही लव जिहाद एवं एक समुदाय द्वारा लॉकडाउन को लेकर जघन्य अपराध किए जाने वाले हिंदू जागरण मंच, विश्व हिंदू परिषद, माननीय पूर्व विधायक हरी सिंह जी, मनोज जी, यादव जी के माध्यम से सभी हिंदू समाज के लोगों ने प्रशासन से शीघ्र अति शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। और आरोपी अगर शीघ्र नहीं पकड़े जाते तो फिर इसमें उग्र आंदोलन हिंदू समाज करेगा। संगठनों ने ज्ञापन दिया है और इसमें जो है विधिवत कार्रवाई हो रही है और जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ, बिल्कुल मौजूद है, रात भर गश्त होती रही है, पूरी फोर्स चाक चौबंद है, सारी व्यवस्थाएं देख रही हैं, कहीं पर भी कोई नहीं, उसकी जाँच कर रही है, पुलिस जाँच कर रही है। लॉकडाउन की स्थिति है, ये बात सही है, जहाँ पे भी जहाँ से भी सूचना मिल रही है पुलिस को वहाँ पे वो दबिश दे रही है और शीघ्र अति शीघ्र जो है उन्हें कार्रवाई करके निकाल के बच्चे घर से चले गए थे, जिसको लेकर आपस में दोनों परिवारों के बीच में तनाव की स्थिति पैदा हुई थी, उसके द्वारा कर दिया गया और दोषियों को जल्दी गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की।